तो हमने स्वामी की दादी पाठ को पढ़ा। आप इस पाठ में आए हुए कुछ मुख्य प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप लिखेंगे। प्रश्न है, स्वामी की दादी के पास क्या क्या सामान था? स्वामी की दादी के पास क्या क्या सामान था? बच्चों, हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा, स्वामी की दादी के पास 5 दरिया, 3 चादरे, 5 तकिए, 1 छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रखती थी। सही है। आगे प्रश्न है, प्रश्न 2, स्वामी के दादा क्या काम करते थे? हम लोगों ने पढ़ा कहानी में कि स्वामी के दादा एक रोबदार समझदेव थे। समझ रहे हो ना? हाँ, एक अधिकारी का पद होता है तो ये समझदेव थे। प्रश्न, स्वामी अपनी दादी को किसके बारे में कहानियां सुना रहा था? सबको मालूम है? Yes, sir. अब मैं आपको बता रहा हूं, स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम के बारे में कहानियां सुना रहा था। सभी लोगों ने पढ़ा था किताब में ना? Yes, सभी लोगों ने पढ़ा ना? कि स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम के बारे में अच्छी सी कहानियां सुना रहा था। अब आपको ये समझ में आ गया ना? क्वेश्चन फोर, स्वामी ने राजम को बहादुर लड़का क्यों कहा था? स्वामी ने राजम को बहादुर लड़का क्यों कहा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि राजम जब छोटा था तब उसने शेर का शिकार किया था। इसलिए स्वामी ने राजम को बहादुर लड़का कहा था। सही है ना? Yes, sir. समझ में आ गया सभी को? हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना लेसन? Yes, sir. प्रश्न 5, राजम के पिता कहां डेरा डाले हुए थे? किसी अच्छे को मालूम है? बोलिए आप। राजम के पिता जंगल में डेरा डाले हुए रखे थे। बहुत अच्छे, बहुत सही उत्तर है। राजम के पिता जंगल में डेरा डाले हुए थे। सभी ने पढ़ा है? Yes, इसीलिए हमने आपको पुस्तक से सरल भाषा में सरल प्रश्न हमने आपको बनाया है कि जिससे आप उनका उत्तर आसानी से लिख सको। प्रश्न 6 है, राजम ने शेर को कैसे मारा? प्रश्न ये है कि राजम ने शेर को कैसे मारा? बच्चों, उत्तर इसका होगा, राजम झाड़ी के पीछे छिपकर वहीं से गोली चलाकर शेर को मारा। भाई, शेर को ऐसे नहीं मार सकते थे, सामने बगल में झाड़ी थी, वहीं छिप करके उसने गोली मारी। इस प्रकार से राजम शेर को मारा। अब सभी को समझ में आ गया? प्रश्न 7, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? क्योंकि जब बुआ ने मेडल से चूड़ियां बनवा ली तो दादी बहुत नाराज हो गई थी, है ना? तो उत्तर होगा, बुआ ने मेडल के महत्व को नहीं समझा और उससे मामूली 4 चूड़ियां बनवा ली थी, इसीलिए दादी ने उसे मामूल कहा। समझ गए सभी लोग? प्रश्न, सिक्के किस किस धातु के बने होते हैं? आप जानते हो? आप लोगों तो केवल इस समय गिल्ड के सिक्के देखे हैं। बच्चों, सिक्के तांबा, चांदी, सोना, लोहा, पीतल और गिल्ड आदि धातुओं के बने होते हैं। इस समय जो चलन में है, इसके पहले तांबे के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, सोने के सिक्के होते थे, है ना, पीतल के सिक्के होते थे। अब तो लोहा और गिल्ड के ही सिक्के आपके समय में चल रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों, ये हमारा समाप्त होता है लेसन। आप लोग इनको सब अपनी कॉपी में अच्छे से करें।